योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है, उसका विषय है पीवीआर कंट्रोल के माइक्रोप्रोसेसर सब जीरो, चाहे वो 7510T हो, चाहे ई हो, चाहे पी हो, किसी भी माइक्रोप्रोसेसर पर यह लागू होता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर के बारे में। दोस्तों, यह पैरामीटर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम कैसे इसमें इनेबल करें और कैसे हम डिसेबल करें, यानी कैसे हम इस पैरामीटर को हमारे माइक्रोप्रोसेसर पर लगाएं और कैसे उसको हटाएं, आज इसी विषय पर मैंने यह वीडियो बनाया है, क्योंकि इस विषय पर कई कमेंट्स आ चुके हैं। क्योंकि हम पैरामीटर को लागू तो कर देते हैं हमारे माइक्रोप्रोसेसर पर, लेकिन जब हमें सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पैरामीटर को डिसेबल नहीं कर पाते और जिस वजह से हमें काफ़ी परेशानी आती है। यह पैरामीटर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने जो सेटिंग अपने उपकरण के लिए इस माइक्रोप्रोसेसर में की है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे छेड़ ना पाए, इसलिए यह पैरामीटर हमें लगाना पड़ता है। मैंने कई वीडियो सब जीरो माइक्रोप्रोसेसर पर बनाए हुए हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस विशेष पैरामीटर की, जिसका नाम है LP पैरामीटर। यानी कि यह पैरामीटर वो होता दोस्तों जिससे हमारा कीपैड लॉक हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण देकर दिखाता हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम के बटन को हल्का सा टच किया, मैं इसके प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ और देखिए P1 पैरामीटर फ्लैश करने लग गया है। अब मेरे को P1 पैरामीटर के अंदर जाना है और मैं सेट के बटन को दबाता हूँ, 0 आ गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, 0 से मैं 1 करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी इस पैरामीटर की सेटिंग बदली जाएगी। और जैसे ही मैंने इसको बटन के दबाया तो देखिए दोस्तों आपको LP लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पैरामीटर के लागू होने के बाद आप कोई भी सेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह पैरामीटर काफ़ी प्रभावी है। इसलिए आपको कोई भी पैरामीटर की सेटिंग करने के लिए इस LP पैरामीटर को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आप कोई सेटिंग कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस पैरामीटर को कैसे हटाएं वो दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद आप इस पैरामीटर को कैसे लगाएं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए, अब मेरे को, मैंने यह पैरामीटर सेट कर दिया, अब मेरे को LP पैरामीटर पर जाना पड़ेगा और वहाँ इस पैरामीटर की सेटिंग को डिसेबल करना पड़ेगा। देखिए, ये LP पैरामीटर अभी शो कर रहा है। अब हम इसके अंदर जाएंगे सेट के बटन को दबाकर, आपको स्क्रीन पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हमें इसे डिसेबल करना पड़ेगा, प्रोग्राम के बटन का जो ये एरो है हम इसे नीचे दबाएंगे और ये 0 आपका स्क्रीन पर फ्लैश करने लग जाएगा। अब हम इसे सेट के बटन को दबाएंगे और हमारी जो सेटिंग थी LP पैरामीटर की वो चेंज हो गई। अब हम दोबारा से सभी पैरामीटर सेट करके देखेंगे, इसलिए हमें एक बार इसे बाहर निकलना पड़ेगा। EP पैरामीटर के द्वारा हम इस फंक्शन से बाहर निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब 19 डिग्री हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है। अब हम इसके पैरामीटर को सेट करने जाएंगे। प्रोग्राम के बटन को मैंने दबाया और P1 पैरामीटर आ गया और मैं अब P1 पैरामीटर के अंदर चला गया और मैंने इसको देखिए 1 कर दिया। अब कोई LP लिखा हुआ नज़र नहीं आया और मैंने इसे सेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोबारा से उसे इनेबल करके दिखाता हूँ। देखिए, LP पैरामीटर मैं फिर स्क्रीन पर ले आया और अगर हमें कीपैड लो करना है तो आप सेट के बटन को दबाएं और 0 की जगह हमें 1 करना है और आप सेट के बटन को फिर से दबाएं, आपका फिर से ये इनेबल हो गया है। अब आप कोई भी सेटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसे 0 पर नहीं करेंगे LP पैरामीटर को। देखिए, अब मैं टेम्परेचर सेट करने जा रहा हूँ, देखते हैं हमारा टेम्परेचर सेट होगा या नहीं। देखिए, 0 डिग्री टेम्परेचर हमारा दिखा रहा है। अब मैं इसको सेट करता हूँ। देखिए, अब हमारा टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जाएगा ना ऊपर जाएगा, आपको LP लिखा हुआ स्क्रीन पर नज़र आएगा, क्योंकि हमने
हमारे इस डिस्प्ले को लो कर दिया है, कोई भी सेटिंग हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस एलपी पैरामीटर के अंदर जाकर उसे जीरो पर ना कर दें। तो इसलिए हमें दोबारा से उसी एलपी पैरामीटर पर जाना पड़ेगा और हमें वो पैरामीटर खोलना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सेटिंग आप नहीं कर पाएंगे जब तक एलपी पैरामीटर के अंदर जाकर आप उसे जीरो पर ना कर दें। देखिए P2 आ गया, अगर मैं इसके अंदर जाना चाहूँगा तो देखिए एलपी लिखा हुआ आपका नज़र आएगा। कोई भी आप पैरामीटर सेट नहीं कर पाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है, जब तक आप एलपी पैरामीटर के अंदर जाकर जीरो पर उसकी सेटिंग को ना कर दें। अब देखिए मैं एलपी पैरामीटर के अंदर जा रहा हूँ दोबारा से, और सेट के बटन को मैंने दबाया, एक की जगह अब हमें जीरो करना है, और जीरो आते ही हमें सेट के बटन को दबाना है। और देखिए हम फिर से ये सभी पैरामीटर सेट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि हमें ईपी पर जाना पड़ेगा, एंड प्रोग्राम पर। एंड प्रोग्राम पर गए, हमने सेट के बटन को दबाया और देखिए हम बाहर निकल गए। अब हम टेम्परेचर को सेट करेंगे, सेट के बटन को मैंने हल्का सा टच किया और देखिए अब मैं टेम्परेचर को आसानी से सेट कर सकता हूँ माइनस में, प्लस में, क्योंकि हमने एलपी पैरामीटर के अंदर जाकर हमने उसे जीरो पर सेट कर दिया है। अगर आप उसे जीरो पर सेट कर देंगे तो आपके सभी पैरामीटर के कीपैड काम करेंगे, अगर आप उसे एक पर कर देंगे तो कोई भी पैरामीटर आपका काम नहीं करेगा जब तक आप एलपी पैरामीटर के अंदर जाकर उसे इनेबल ना कर दें। तो दोस्तों यह है कि सेटिंग आप सब जीरो के कीपैड को कैसे लॉक कर सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। कोशिश यही थी कि आसान भाषा में मैं आपको बता पाऊँ। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।